हेलो स्टूडेंट्स, टुडे वी विल स्टार्ट फिफ्थ चैप्टर, दैट इज द सदर्न प्लेट्यूज एंड आइलैंड्स, यानी कि दक्षिणी पठार और द्वीप। सबसे पहले द सदर्न प्लेट्यू यानी कि दक्षिणी पठार। अ प्लेट्यू हैज़ अ फ्लैट टॉप एंड स्टीप साइड्स सिंस इट लुक्स लाइक अ टेबल। अ प्लेट्यू इज कॉल्ड अ टेबल लैंड। प्लेट्यू जो है ऊपर से फ्लैट होता है, टॉप जो होता है उसका वो फ्लैट होता है और साइड से थोड़ा सा तिरछा होता है, बिल्कुल टेबल की तरह। इसीलिए जो प्लेट्यूज होते हैं उसको टेबल लैंड भी कहा जाता है। नेक्स्ट है, द सदर्न प्लेट्यूज आर लोकेटेड टू द साउथ ऑफ द नॉर्दर्न प्लेन्स। सदर्न प्लेट्यूज जो हैं वो साउथ के नॉर्दर्न प्लेन्स में लोकेटेड हैं। दे आर ट्रायंगुलर इन शेप। इनकी शेप कैसी है? ट्रायंगुलर। कैसी है? ट्रायंगुलर। द सरफेस ऑफ द प्लेट्यू रीजन इज रॉकी एंड अनइवन। प्लेट्यू की जो सरफेस होती है यानी कि जो ऊपरी सतह होती है वो बहुत ही रॉकी और अनइवन होती है, यानी कि उबड़ खाबड़ और वहाँ पे पत्थर वगैरह जो है वो पड़े रहते हैं। द सदर्न प्लेट्यूज आर सराउंडेड बाय द अरावली हिल्स ऑन इट्स नॉर्थ वेस्ट। सदर्न प्लेट्यूज जो हैं वो नॉर्थ में अरावली हिल्स से घिरे हुए हैं, ठीक है। नॉर्थ वेस्ट यानी कि उत्तरी पश्चिम में अरावली हिल्स और नॉर्थ ईस्ट यानी कि उत्तरी पूर्वी उत्तर पूर्वी में राजमहल हिल्स। सदर्न प्लेट्यूज जो हैं वो नॉर्थ वेस्ट में अरावली हिल्स से और नॉर्थ ईस्ट में राजमहल हिल्स से घिरे हुए हैं। ये मैप जो आप देख रहे हैं, ये इंडिया का जो मैप है इसमें ये जितना शेडेड पोर्शन है, ठीक है, ये जितना शेडेड पोर्शन है वो सदर्न प्लेट्यू और आइलैंड का है, ठीक है। ये पूरा क्या है? ये सदर्न प्लेट्यू है। एंड लक्षद्वीप और अंडमान एंड निकोबार, ये क्या है? ये दोनों आइलैंड्स हैं। ये दोनों क्या हैं? आइलैंड्स, लक्षद्वीप आइलैंड एंड अंडमान एंड निकोबार आइलैंड। और ये दोनों ही इंडिया के पार्ट हैं। एक अरेबियन सी में पड़ता है, लक्षद्वीप जो है वो अरेबियन सी में है, और बे ऑफ बंगाल में कौन सा है? अंडमान निकोबार। द ईस्टर्न घाट्स ऑन इट्स ईस्ट, और इसके ईस्ट में क्या है? ईस्टर्न घाट। एंड द वेस्टर्न घाट्स ऑन इट्स वेस्ट, और पश्चिम में यानी कि वेस्ट में है वेस्टर्न घाट। इन चार जगहों से, अरावली हिल्स, राजमहल हिल्स, ईस्टर्न घाट और वेस्टर्न घाट से सदर्न प्लेट्यूज जो हैं वो घिरे हुए हैं। मोस्ट ऑफ द रिवर्स इन द सदर्न प्लेट्यूज आर नॉट एज लॉन्ग एज दोज इन द नॉर्दर्न प्लेन्स। नॉर्दर्न प्लेन्स में जिस तरीके से नदियाँ बहुत लंबी होती हैं उस तरीके से सदर्न प्लेट्यूज में जो रिवर्स होती हैं वो ज़्यादा लंबी नहीं होती हैं। दे हाउ एवर फ्लो विथ ग्रेट स्पीड एंड ऑन देअर वे दे फॉर्म वाटरफॉल्स। यहाँ पे रिवर्स जो है वो इतनी स्पीड के साथ बहती हैं जिसकी वजह से ये किसका निर्माण करती हैं? वाटरफॉल्स का, ठीक है। यहाँ पे नदियाँ क्या है वो पूरी फुल स्पीड के साथ बहती हैं जिसकी वजह से यहाँ वाटरफॉल्स के निर्माण होता है। अब बात करते हैं वाटरफॉल के। वाटरफॉल क्या होता है? When a river or stream falls from the edge of the mountain or plateau, it forms a waterfall. जब कोई river या stream mountain के edge से यानी कि mountain के पहाड़ की ऊंचाई से नीचे की तरफ गिरती है तो वो किसका निर्माण करती है? waterfall का। जैसे ये इमेज आप देख रहे हैं, ये जॉगफॉल की इमेज है। जैसे यहाँ पर ऊपर से ऊंचाई से नदी नीचे की तरफ गिर रही है तो इसी को हम बोलते हैं वाटरफॉल। इसी तरीके से वाटरफॉल का निर्माण होता है। नर्मदा रिवर वैली रफली डिवाइड्स द प्लेट्यू रीजन इनटू टू पार्ट्स। नर्मदा रिवर वैली जो है यानी कि नर्मदा नदी घाटी, वैली का मतलब होता है घाटी, नर्मदा नदी घाटी जो है वो प्लेट्यूज को दो पार्ट में डिवाइड करती है। फर्स्ट है द सेंट्रल हाईलैंड्स यानी कि जो नॉर्दर्न पार्ट होता है वो, और द डेकन प्लेट्यू द सदर्न पार्ट, ठीक है। कौन से दो पार्ट्स में डिवाइड करती है? द सेंट्रल हाईलैंड्स एंड द डेकन प्लेट्यूज। सबसे पहले हम पढ़ेंगे
द सेंट्रल हाईलैंड्स के बारे में। द सेंट्रल हाईलैंड्स इज डिवाइडेड इनटू टू पार्ट्स। सेंट्रल हाईलैंड जो है वो भी दो पार्ट में डिवाइड होता है, मालवा प्लेट्यू और छोटा नागपुर। मालवा प्लेट्यू, दिस प्लेट्यू फॉर्म्स द नॉर्थ वेस्ट पार्ट ऑफ द सेंट्रल हाईलैंड्स। मालवा प्लेट्यू जो है वो सेंट्रल हाईलैंड्स का नॉर्थ वेस्ट पार्ट जो है उसका निर्माण करता है। पार्ट्स ऑफ राजस्थान एंड मध्य प्रदेश लाई इन दिस प्लेट्यू। राजस्थान का कुछ पार्ट और मध्य प्रदेश जो है ये दोनों स्टेट्स इस प्लेट्यू में आते हैं। इट्स मेजर सिटीज आर ग्वालियर, इंदौर एंड भोपाल। इसकी मेजर सिटीज कौन सी हैं, मुख्य शहर कौन से हैं? ग्वालियर, इंदौर और भोपाल। दिस प्लेट्यू इज रिच इन ब्लैक सॉइल बट लैक्स इन मिनरल्स। यहाँ की जो मिट्टी है वो ब्लैक सॉइल में तो भरपूर है, ठीक है। यहाँ की जो मिट्टी है, काली मिट्टी जो है वो ज़्यादा पाई जाती है, लेकिन इस मिट्टी में जो मिनरल्स होते हैं उनकी मात्रा बहुत कम होती है। नेक्स्ट है छोटा नागपुर प्लेट्यू, छोटा नागपुर का पठार। दिस प्लेट्यू फॉर्म्स द नॉर्थ ईस्ट पार्ट ऑफ द सेंट्रल हाईलैंड। ये प्लेट्यू जो है वो नॉर्थ ईस्ट पार्ट को का निर्माण करता है सेंट्रल हाईलैंड में। इसमें आते हैं पार्ट ऑफ झारखंड, यानी कि झारखंड का कुछ हिस्सा, ओडिशा, छत्तीसगढ़ एंड बिहार लाई इन द प्लेट्यू, इन दिस प्लेट्यू, ठीक है। इस प्लेट्यू में, छोटा नागपुर प्लेट्यू जो है उसमें कौन कौन से आते हैं स्टेट? झारखंड का कुछ हिस्सा, उड़ीसा, छत्तीसगढ़ और बिहार। रांची, हजारीबाग, सिंहभूम, मनभूम आर इट्स मेन सिटीज़। और यहाँ की मेन सिटीज़ कौन कौन सी हैं? रांची, हजारीबाग, सिंहभूम और मनभूम, दीज आर मेन सिटीज़ ऑफ दिस प्लेट्यू। द प्लेट्यू इज रिच इन कोल विच इज़ यूज इन कन्वर्टिंग आयरन इंटू स्टील। ये पठार जो है वो कोल में सबसे ज़्यादा रिच है, यानी कि यहाँ पर कोयले की जो मात्रा है वो सबसे ज़्यादा पाई जाती है, जिसकी वजह से इसका इस्तेमाल जो है वो आयरन को स्टील में कन्वर्ट करने के लिए किया जाता है। अदर मिनरल्स फाउंड हेयर आर आयरन, मीका एंड मैगनीज। इसके अलावा यहाँ पर कौन कौन से मिनरल्स पाए जाते हैं? आयरन, मीका और मैगनीज। छोटा नागपुर प्लेट्यू हैज़ मैनी मेजर इंडस्ट्रीज। छोटा नागपुर प्लेट्यू जो है यहाँ पर बहुत ही ज़्यादा मेजर इंडस्ट्रीज पाई जाती हैं। कौन कौन सी? कोल इंडस्ट्रीज, स्टील इंडस्ट्रीज एंड डायमंड इंडस्ट्रीज एंड वुड प्रोडक्ट्स। इसके अलावा लकड़ी से बनने वाले जो उत्पाद होते हैं उनसे संबंधित फैक्ट्रीज। कोल इंडस्ट्री और जो डायमंड इंडस्ट्री है वो माइंस है, यानी कि खाने हैं, यहाँ पर खुदाई से काम किया जाता है। बोकारो एंड भिलाई आर द फेमस स्टील प्लांट्स ऑफ दिस प्लेट्यू। छोटा नागपुर में बोकारो और भिलाई जो है वो सबसे फेमस स्टील प्लांट्स हैं। नेक्स्ट है द डेकन प्लेट्यू। द डेकन प्लेट्यू एक्सटेंड फ्रॉम रिवर नर्मदा अप टू द सदर्न टिप ऑफ पेनिनसुलर इंडिया। द स्टेट्स ऑफ छत्तीसगढ़, ओडिशा, महाराष्ट्र, कर्नाटका, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, केरला एंड तमिलनाडु लाई इन दिस प्लेट्यू। अनाईमुड़ी इज द हाईएस्ट पीक इन दिस रीजन। डेकन प्लेट्यू जो है वो नर्मदा रिवर से लेकर प्रायद्वीपीय भारत के दक्षिण में टिप तक फैला हुआ है। इसमें कौन कौन से स्टेट्स आते हैं? छत्तीसगढ़, ओडिशा, महाराष्ट्र, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, केरला और तमिलनाडु। अनाईमुड़ी जो है वो इस रीजन की सबसे हाईएस्ट पीक है, यानी कि सबसे ऊंची चोटी है। रिवर्स की अगर हम बात करें, देन रिवर्स ऑफ दिस प्लेट्यू दैट फ्लो ईस्ट वर्ड आर महानदी, गोदावरी, कृष्णा एंड कावेरी। ईस्ट की तरफ बहने वाली जो नदियाँ हैं वो हैं महानदी, गोदावरी, कृष्णा और कावेरी। रिवर ताप्ती एंड नर्मदा फ्लो वेस्टवर्ड। इसके अलावा ताप्ती और नर्मदा रिवर जो हैं वो वेस्ट की तरफ बहती हैं, यानी कि पश्चिम की तरफ। ऑल द रिवर्स डिपेंड ऑन रेन फॉर वाटर एंड यूजुअली ड्राई अप इन समर्स। ये जितनी भी रिवर्स हैं, नदियाँ जो हैं वो पूरी तरीके से रेन पर डिपेंड करती हैं, यानी कि बारिश का जो पानी होता है उस पर डिपेंड करती हैं,
और समर्स में गर्मियाँ जब होती हैं तब ये नदियाँ सूख जाती हैं। गोदावरी इज़ द लॉन्गेस्ट रिवर इन द डेक्कन प्लेट्यू। गोदावरी जो है वो डेक्कन प्लेट्यू में सबसे लंबी नदी है। वाटरफॉल्स, मैनी रिवर्स इन द डेक्कन प्लेट्यू फॉर्म्स वाटरफॉल्स। डेक्कन प्लेट्यू में बहुत सारी नदियाँ जो हैं वो वाटरफॉल का निर्माण करती हैं। सम ऑफ द फेमस वाटरफॉल्स आर, कुछ फेमस वाटरफॉल्स के नाम यहाँ दे रखे हैं, कर्नाटक का जॉग फॉल्स, तमिलनाडु का होगेनक्कल फॉल। अब पढ़ते हैं यहाँ पे कौन कौन से मिनरल्स पाए जाते हैं। द डेक्कन प्लेट्यू इज रिच इन मिनरल्स। मेजर मिनरल्स ओर्स फाउंड इन दिस एरा आर आयरन ओर, मीका, डायमंड, बेसाल्ट एंड ग्रेनाइट। ठीक है, यहाँ पे कौन कौन से मिनरल्स पाए जाते हैं, आयरन ओर, मीका, डायमंड, बेसाल्ट और ग्रेनाइट। गोलकोंडा एरिया इन तेलंगाना फेमस फॉर गोल्ड, डायमंड एंड अदर प्रीशियस मेटल्स। तमिलनाडु में जो गोलकोंडा स्थान है, गोलकोंडा जो है वो गोल्ड, डायमंड और बहुत सारे प्रीशियस मेटल यानी कि जो कीमती मेटल्स होते हैं उनके लिए फेमस है। यहाँ पे ब्लैक सॉइल पाई जाती है। मोस्ट ऑफ द डेक्कन प्लेट्यू हैज़ ब्लैक सॉइल विच इज़ द बेस्ट सूटेड फॉर कल्टिवेशन ऑफ कॉटन, राइस, शुगर केन, ऑयल सीड्स एंड मिलेट्स। ठीक है, काली मिट्टी जो है वो कॉटन, राइस, शुगर केन, ऑयल सीड्स और मिलेट्स के पैदावार के लिए सबसे बेहतर है। रिच इन फॉरेस्ट, द फॉरेस्ट ऑफ द डेक्कन प्लेट्यू आर सोर्स ऑफ अ वैल्यूएबल वुड्स लाइक टीक, साल एंड सैंडलवुड। डेक्कन प्लेट्यू में फॉरेस्ट यानी कि जो जंगल हैं उनकी भी संख्या काफ़ी है। यहाँ पर टीक, साल और सैंडलवुड जैसे पेड़ जो हैं वो सबसे ज़्यादा भारी मात्रा में पाए जाते हैं। वी ऑल्सो गेट रबर, टी, कॉफ़ी एंड स्पाइसेस फ्रॉम देम। इसके अलावा हम यहाँ से रबर, टी, कॉफ़ी और मसाले जो होते हैं वो भी प्राप्त करते हैं। मैनी इंडस्ट्रीज लाइक दोज ऑफ टिम्बर, फायरवुड, चारकोल एंड बैम्बू प्रोडक्ट्स आर फॉरेस्ट बेस्ड। यहाँ पर टिम्बर, फायरवुड, चारकोल और बैम्बू जैसे जो प्रोडक्ट्स होते हैं, इनसे बनने वाले जो प्रोडक्ट्स होते हैं वो भी पूरी तरीके से फॉरेस्ट बेस्ड हैं यानी कि जंगलों पर आधारित हैं। यहाँ पे कौन कौन सी मेन सिटीज़ हैं, द मेन सिटीज़ ऑफ डेक्कन प्लेट्यू आर बेंगलुरु, हैदराबाद, मैसूर, ऊटी, नागपुर, बेलगांव, वारानगल और पूना। स्टूडेंट्स, होमवर्क में आपको सदर्न प्लेट्यू और आइलैंड की लोकेशंस शो करनी है मैप में। ठीक है, आप इस तरीके से फिजिकल मैप लेंगे और फिजिकल मैप में ही आपको सदर्न प्लेट्यू और आइलैंड शो करने हैं। थैंक यू एंड दैट्स ऑल फॉर टुडेज़ क्लास।